थे। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि महाराज जी हमारे बच्चे और हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। 28 साल के पार्थ श्रीवास्तव ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट अब जमकर वायरल हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री को टैग करते हुए पार्थ श्रीवास्तव ने अपनी ही टीम में गुटबाजी और राजनीति के बारे में बताया है। पार्थ के सुसाइड नोट में लिखा है, मेरी आत्महत्या एक कत्ल है जिसकी जिम्मेदार शैलजा और उनका साथ देने वाले पुष्पेंद्र सिंह है। सीएम ऑफिस के आईटी सेल में कार्यरत पार्थ श्रीवास्तव के सुसाइड नोट के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होना अत्यंत चिंतनीय और गंभीर है। साथ ही जिस प्रकार से उनका ट्वीट उनके मरणोपरांत डिलीट हुआ रहस्यमय ढंग से, वह भी अपने आप में अत्यंत चिंताजनक भी है और गंभीर भी। हम इस मामले में अविलंब एफआईआर की मांग करते हैं। पार्थ श्रीवास्तव ने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि वो किस तरह से सीएम की सोशल मीडिया टीम के अंदर राजनीति का शिकार हो गया, जिसको लेकर पार्थ श्रीवास्तव की मां रमा ने रो रो कर मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है और अपने दर्द को बयां किया है। अधमरे हैं भैया, बच्चों की आवाज नहीं है, फादर बोल नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत मजबूत हूँ, उसकी माँ। पार्थ श्रीवास्तव की मां को इंसाफ चाहिए और पार्थ श्रीवास्तव की मां ही नहीं, अब तो ये सवाल कई जगहों से उठने लगे हैं कि पार्थ श्रीवास्तव को इंसाफ कब मिलेगा। रात भर ये काम करते थे, दिन भर अकेले। आप समझिए, मैं शकल देखने को तरसती थी, मुझे शकल नहीं दिखाई पड़ता। पुलिस ही तो ले गई कागज, वो जो नोट लिखा था उसने, वो पुलिस ले गई सुसाइड नोट और क्या नाम है मोबाइल मैं लिए थी, क्योंकि वो लॉक था, मुझे तो पता नहीं था उसको खोलने का, वो भी ले गई। अरे वो तो जिंदगी ही नहीं शुरू की, मैं अपने बच्चे की शादी की तैयारी कर रही थी भैया, और सब तो खत्म हो गया, मेरे जीवन ही खत्म। हम क्या करेंगे। वो योगी जी की इतनी तारीफ करते थे, योगी जी के उनके आदर्श थे, महाराज जी थे, कम से कम महाराज, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि महाराज जी हमारे बच्चे और हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया सेल में तैनात पार्थ श्रीवास्तव के सुसाइड मामले में अब उसकी माँ ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि खुद इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री संज्ञान लें और जो जिम्मेदार हैं उसकी सुसाइड के लिए उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो दूसरी तरफ लखनऊ पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी तरह की कोई तहरीर जो है परिवार की तरफ से उनको नहीं दी गई है, लिहाजा यदि परिवार तहरीर देगा तो जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से मां का आरोप है कि लगातार सोशल मीडिया सेल में तैनात जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से बेटे का उत्पीड़न किया जा रहा था, कई घंटे लगातार जो है काम किया जा रहा था, लगातार काम के प्रेशर के चलते बेटे ने ये कदम उठाया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सुसाइड नोट जो है ट्विटर हैंडल पे पार्थ ने पहले जो है पोस्ट किया था लेकिन उसको डिलीट करने का भी आरोप लग रहा है, तो आखिर इसके पीछे वो कौन है जिसने ट्विटर से जो उस पोस्ट को डिलीट किया। यह जब पूरे मामले की जो जांच है वो परिवार जो है अब कराने की बात कर रहा है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या निकल करके आता है, क्या पार्थ को इंसाफ मिलता है या जो लोग जिम्मेदार हैं उसकी सुसाइड के लिए उनको बचाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। पार्थ श्रीवास्तव के परिवार को इंसाफ का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।